न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम प्रियंका चोपड़ा स्पेशल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं कि जहां इन दिनों बीटाउन में उनकी सगाई की खबरें खूब जोरों पर हैं, हर कहीं चर्चा है तो सिर्फ प्रियंका और निक्की। वहीं बता दें कि उनके करीबियों के साथ साथ उनके फैंस भी उन्हें सगाई की खूब बधाइयां दे रही हैं। जहां बीते ही दिनों से प्रियंका लगातार चर्चा में बनी हुई हैं हर किसी के बीच, वहीं लोगों की नजरें कहीं ना कहीं इस बात पर भी है कि आखिरकार प्रियंका का होने वाला ससुराल कैसा है। अब तक जहां हम आपको उनके देवर, उनके जेठ और उनकी जेठानियों से रूबरू करा चुके हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा की होने वाली सास के बारे में कि आखिर किस तरह की जिंदगी जीती हैं उनकी होने वाली सास, क्या काम करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खूबसूरती में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को भी मात देती हैं निक जोनस की माँ। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे प्रियंका चोपड़ा और उनकी होने वाली सास के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, गौर किया जाए तो इन दिनों बी टाउन में सबसे ज्यादा चर्चे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की सगाई की। अगर देखा जाए तो काफी समय पहले प्रियंका विदेशी सिंगर निक जोनस से मिली थी, उसके बाद इन दोनों को साथ में नहीं देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अफेयर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका और निक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जहां प्रियंका ने इंडिया में अपने हिंदू रीति रिवाजों से निक से सगाई की, वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां निक और उनका परिवार भी ट्रेडिशनल अवतार में नजर आया, उससे हर कोई उनकी खूब तारीफें कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी इनको काफी बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं जहां निक जोनस के तीन भाई हैं, उनके माता पिता हैं, तो वही बता दें उनकी माँ और उनके पिता सगाई और रोका की रस्म भी इंडिया में उनके साथ थे। जहां निक जोनस की माँ ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई, पिंक कलर की साड़ी में वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका की होने वाली सास कहीं ना कहीं इस बार उन्हें टक्कर देती नजर आई है खूबसूरती में। आप भी उनकी तस्वीरें देख चुके होंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो वहीं साथ ही साथ बता दें कि निक जोनस की माँ डेनिस जोनस, जो एक टीचर है, प्रियंका को बेहद पसंद करती है। अपने बेटे निक और प्रियंका की सगाई से वो बेहद ही ज्यादा खुश है। बता दें इनका निक नेम मामा जोनस है, यानी इन्हें प्यार से मामा जोनस भी बुलाया जाता है। वहीं 52 साल की डेनिस बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है और हर तरीके से वो बड़ी बड़ी स्टार्स को भी टक्कर देती नजर आती है। बता दें 12 जुलाई साल 1966 में जन्मी इन डेनिस ने निक जोनस के पिता यानी पॉल केविन जोनस से शादी की। शादी के बाद इनके घर पहला बेटा हुआ केविन जोनस, और उन्होंने शादी की है डेनियल जोनस से, और उनके दो बच्चे भी हैं। वहीं डेनिस दूसरी बार मां बनी जॉय जोनस के द्वारा, जिन्होंने 15 अगस्त साल 1989 में जन्म लिया। और जॉय जोनस के 3 साल बाद डेनिस ने निक जोनस को जन्म दिया। साल 1992 में जन्मे हैं निक जोनस, जो अब हमारी देसी गर्ल प्रियंका से सगाई कर चुके हैं। वहीं बता दे कि निक जोनस के बाद भी उनका एक छोटा भाई हुआ है, यानी फ्रैंकी जोनस, जो साल 2000 में जन्मी है। डेनिस जोनस आज भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं, जो पेशे से एक टीचर है। हालांकि अगर देखा जाए तो जोनस परिवार किसी ना किसी तरह से फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखता है। जहां उनके पिता पॉल केविन जोनस एक अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना हिस्सा है, तो वहीं निक जोनस के भाई भी जोनस ब्रदर, जो एक बैंड है, उसका हिस्सा है। ये चारों ही भाई अपनी किसी ना किसी काबिलियत, किसी ना किसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। जहां निक के छोटे भाई फ्रैंकी भी इन दोनों एक्टिंग और सिंगिंग में अपना करियर बना रही हैं, तो वहीं निक, केविन और जो जोनस, जो पहले से ही जाने माने सिंगर बन चुके हैं,
वहीं अगर बात की जाए प्रियंका और निक के बारे में, जहां तमाम लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिरकार कैसी फैमिली में जाने वाली है प्रियंका, वहीं आप समझ गए होंगे कि प्रियंका को मिलने वाली है काफी लविंग स्टार, जो खूबसूरती के मामले में प्रियंका को भी टक्कर देती नजर आ रही है। वहीं उनके होने वाले ससुर पॉल केविन जोनस भी बेहद ही ज्यादा कूल है। जब हाल ही में उनके रोका और सगाई के दौरान की तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों में वो ट्रेडिशनल अवतार में नजर आए। वहीं निक के दोनों बड़े भाई और उनके छोटे बड़े भाई भी प्रियंका को बेहद पसंद करते हैं। साथ ही साथ बता दें कि जब निक और प्रियंका की सगाई हुई तो उनकी माँ डेनिस जोनस ने दोनों की एक तस्वीर शेयर की और प्रियंका का स्वागत किया अपने घर में। इस बात से साफ जाहिर होता है कि प्रियंका और निक सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इस बात का इशारा उनकी माँ मामा जोनस भी दे चुकी हैं। अब जिस तरह से निक जोनास जब भी किसी शो परफॉर्मेंस के दौरान जाते हैं तो हमेशा ही वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा होती है जिसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। अब जाहिर सी बात है कि जब निक विदेश में खुद इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी माँ कितनी ज्यादा लोकप्रिय होंगी। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जब प्रियंका और निक की सगाई के दौरान उनके माता पिता इंडिया आए थे, जहाँ हिंदू रीति रिवाजों से इनकी सगाई और रोका की रस्म पूरी की गई थी, तो वहीं उनके माता पिता भी ट्रेडिशनल अवतार में नजर आए थे। पिंक कलर की साड़ी में प्रियंका निक की माँ बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और ये भी कहा गया कि प्रियंका की होने वाली सास उन्हें खूबसूरती के मामले में कहीं ना कहीं टक्कर तो दे ही रही है। तो वहीं उनकी माँ के बारे में आप जान ही चुके हैं सारी बात, जो पेशे से हैं एक टीचर और जिनका व्यवहार काफी हसमुख है। वहीं जब प्रियंका और निक की सगाई हुई तो उनकी माँ ने भी सोशल मीडिया पर उनकी फोटो को पोस्ट कर हर किसी को ये बात बता दी थी कि वो प्रियंका के अपने घर में आने से बेहद खुश हैं, यानी प्रियंका को काफी पसंद करती हैं उनकी होने वाली सास। तो वही अब शादी के बाद ये देखना होगा कि ये सास बहू कितनी ज्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहती हैं। लेकिन वही साथ ही साथ बता दें कि उनके फैंस उनके लिए काफी दुआएं मांग रही हैं कि देसी गर्ल ने जिस तरह से बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाई, उसी तरह से वो हॉलीवुड में भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान जल्द ही बना ले। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर,
कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।